राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। बानापुरा कृषि उपज मंडी का ई एप तैयार, अब ऑनलाइन होगा कारोबार। सिवनी मालवा। बानापुरा कृषि उपज मंडी अब ऑनलाइन मंडी होगी। अब किसानों को बहुत सी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। कृषि उपज मंडी सचिव राजेंद्र धनोरिया ने बताया कि ऑनलाइन सुविधा से किसान सुविधा का लाभ ले सकेगा, मतलब ई मंडी के नाम से जानी जाएगी। बानापुरा कृषि उपज मंडी सचिव राजेंद्र धनोरिया ने व्यापारी किसान हमालों को कागजी कार्यों से छुटकारा मिल जाएगा। किसान के उपज से भरे वाहन के मंडी गेट से प्रवेश से लेकर नीलामी तक ऐप के माध्यम काम होगा। माना जा रहा है कि इस नवाचार से मंडी संचालन व्यवस्था में काफी सुधार होगा, बेनामी व्यापार पर रोक लगेगी। मंडी संचालन की वर्तमान व्यवस्था कागजों पर चल रही है, जिसमें काफी समय लगता है। इसको गतिमान करने के लिए मंडी को ऐप के माध्यम से संचालित करने की तैयारी हो गई है। मंडी सचिव राजेंद्र धनोरिया ने बताया कि सरकार की मंशा अनुसार इस श्रेणी की मंडी में जल्द ही ऑनलाइन ई मंडी व्यवस्था लागू की जा रही है। सर, ये कृषि उपज मंडी ऑनलाइन हो रही है तो उससे किसानों को क्या फायदा है? प्रदेश की 39 अवर्ग की मंडियों में ई मंडी योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें क्या बनापुरा मंडी का भी नाम है। अभी कुछ मंडियों में प्रोजेक्ट पायलट के तहत काम किया था, जो 8 मंडियां हैं उसी के समतुल्य इस मंडी का भी प्रवेश पूर्ण 100% हो चालू हो गया है। कल से अनुबंध भी 100% जारी करने की कोशिश करेंगे। प्रवेश पर्ची किसान अब अपने घर बैठे ऐप के माध्यम से बना सकेंगे, जिससे मंडी का पूरा कार्य धीरे धीरे ऑनलाइन होगा, जिसमें सभी मंडी के कृत्यकारी जैसे हमाल, तुलावटी, व्यापारी, कर्मचारी, इनको समय की बचत होगी और कार्य भी बड़ा स्पष्ट लगेगा, स्पष्ट दिखेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।